नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। पलामू सांसद बीडी राम ने 15 दिसंबर को लोकसभा में अधूरी बरवाडे चिरमिरी रेल परियोजना का मामला उठाया था। नियम 370 के तहत इस मामले को उठाते हुए सांसद श्री राम ने इस रेलवे परियोजना में कई किलोमीटर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य भी किया गया है और इसमें कई करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन कई वर्ष पुरानी इस परियोजना का काम बंद हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर इस परियोजना में फिर से काम प्रारंभ किया जाए तो न सिर्फ पलामू बल्कि छत्तीसगढ़ व बिहार के कई जिलों के लोगों को रेल यात्रा में सुविधा होगी। जानकारी के अनुसार ब्रिटिश काल में वर्ष 1942 में बरवाडी चिरमिरी लाइन परियोजना का कार्य शुरू हुआ था। जमीन का अधिग्रहण कर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य भी किया गया था। चिरमिरी से विश्रामपुर तक 129 किलोमीटर रेलखंड वर्ष 1962 से परिचालन में है। विश्रामपुर से अंबिकापुर तक 19 किलोमीटर रेल लाइन भी पूरी कर ली गई है, लेकिन अंबिकापुर से बरवाडी तक 182 किलोमीटर की रेल लाइन के निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया जा सका। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने इस रेल लाइन को अव्यवहारिक एवं अलाप्रद मानकर इसके निर्माण को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। पूर्व में तत्कालीन सांसद इंदर सिंह नामधारी ने भी इस रेल परियोजना पूरा कराने की मांग संसद में उठाई थी। योजना आयोग ने इस रेल परियोजना को शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। हालांकि इसके लिए योजना आयोग ने दो शर्तें रखी थी। पहला, राज्य सरकार को रेलवे लाइन निर्माण के लिए जमीन निःशुल्क देनी होगी और दूसरा, इसका निर्माण पीपीपी मोड के तहत सीसीएल एवं अन्य कंपनियों के सहयोग से जॉइंट वेंचर के रूप में कराया जाएगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने इसकी जानकारी तत्कालीन चतरा सांसद इंदर सिंह नामधारी को अपने पत्रांक डीओ नंबर 7/46/2012 टीपीटी 11/12/CD521 के माध्यम से दी थी। इसके बाद लोगों को लगा था कि इस रेल लाइन का निर्माण कार्य फिर से प्रारंभ किया जाएगा, लेकिन आज तक इस महत्वाकांक्षी रेल परियोजना पर कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज।